नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। कोरोना की वजह पूरे एक साल की बंदी के बाद सोमवार से प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। इस दौरान कई स्कूलों में उत्सव जैसा माहौल दिखा है। एक बार स्कूल आए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सहपाठियों से स्कूल में मुलाकात हुई, बच्चों के चेहरे पर पहले जैसी खुशी भी दिखाई दी। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति काफी कम रही। वहीं यूपी के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 और 5 के बच्चे बुलाए गए हैं। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था के साथ सकारात्मक माहौल देने के लिए सजावट भी की गई है। इसी बीच 90% पेरेंट्स से सहमति भी मिल गई है। इसके साथ सीएमएस अवध कॉलेजिएट डीपीएस सेंट जोसेफ ब्राइलैंड इंटर कॉलेज समेत कई निजी स्कूलों का दावा है कि 60% से ज्यादा पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। इसी तरह सेंट जोसेफ स्कूल में 60 से 70% ब्राइलैंड इंटर कॉलेज में कक्षा 3 से 5 तक के लिए 65% और अवध कॉलेजिएट में 4वीं-5वीं के लिए 80% पेरेंट्स से सहमति दे दी है। तो कल यानी 1 मार्च से उत्तर प्रदेश में ये तमाम प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं, जहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक तमाम स्कूलों को खोल दिया गया। तो एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है और लगभग 1 साल के बाद ये रौनक लौटी है, जहां पर बच्चों का स्वागत जो है वो तिलक लगाकर किया गया है। तो धीरे धीरे पटरी पर दौड़ती जिंदगी दिखा रही है। बता दें आपको, लगातार धीरे धीरे उत्तर प्रदेश समेत देश भर के तमाम जिलों में स्कूल खोले जा रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्राथमिक स्कूलों को खोल दिया गया, जहां पर स्कूल में वापस लौटने पर जो बच्चे हैं वो बेहद ही उत्साहित और खुश भी दिखाई दिए हैं। तो तिलक लगाकर इन बच्चों का स्वागत किया गया और टीचर्स भी बेहद खुश हैं, क्योंकि वो भी लगभग 1 साल के बाद इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसी के बाद अब ऑफलाइन तरीके से, जो कि पहले की तरह से जो है अब एक बार फिर से शुरू हो चुका, उसी को देखते हुए टीचर्स, बच्चे, तमाम जो लोग हैं वो भी खुश हैं और कई पेरेंट्स हैं जो उन्होंने जो है अनुमति के साथ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ऑफलाइन स्कूल भेजा है। उसी को देखते हुए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों का स्वागत जो है वो तिलक लगाकर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1 साल के बाद रौनक लौटी है, जहां पर पहले कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोला गया, उसके बाद कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूलों को खोला गया और अब कक्षा 1 से लेकर 5 तक के तमाम स्कूलों को जो है वो खोल दिया गया, जहां पर चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, तमाम स्कूलों में जो है कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत नियमों का पालन करने की सख्त वार्निंग भी दी गई है और अनिवार्य कर दिए गए हैं। जिस तरीके से क्लासेस में भी जो है 2 गज की दूरी जो है वो बेहद जरूरी होनी चाहिए, इसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। और इसी को देखते हुए तमाम जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो भी स्कूलों में इन प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, अनिवार्य तमाम जो रूल्स हैं कोविड-19 के वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो लगभग 11-12 महीने के बाद एक बार फिर से स्कूलों में लौटने के बाद जो तमाम बच्चे हैं वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर हमारे साथ मुरादाबाद से लाइव आ चुके हैं। दानवीर, लगभग 1 साल बाद बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं, जहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के तमाम जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम कोविड-19 के गाइडलाइंस को देखते हुए स्कूलों में फिलहाल किए गए हैं दानवीर? बिल्कुल साक्षी जी, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में आज स्कूलों को खोला गया है और लगातार जो बच्चे स्कूल में आपको दिखाई दे रहे हैं वो बच्चे स्कूल में लगातार आए हैं। काफी बड़ी मात्रा में स्कूल में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कोरोना काल को लेकर 1 साल बाद बच्चों को स्कूल में आज आमंत्रित किया गया और जो जगह जगह स्कूल में तस्वीरें भी आ रही है, देखिए बच्चों को स्वागत किया गया, तिलक लगा के जगह जगह स्वागत किया गया है और बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अध्यापक है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बात कर दीजिए, इस समय मुरादाबाद के बिलारी में मौजूद हूँ, यहाँ एबीएस कार्यालय में और यहाँ लगभग काफी बड़ी मात्रा में बच्चे भी आए हुए, देखिए तस्वीरें जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये काफी खुशी है। इस समय जो बच्चे जिस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं वो कई हद तक बहुत जो कोरोना काल के बाद 1 साल बाद स्कूल खोलने का काम आज किया गया है, 0-15 दिन पहले ही ऐलान किया था
कक्षा एक से लेकर पांच तक के बच्चों को पहली तारीख से बुलाया जाएगा स्कूल में। तो आज वो देखने में ये तस्वीर आप देख सकती है, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बच्चे बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो कई हद तक वो खुशी जाहिर कर रहे हैं जिस तरीके से बच्चों को खुश होना चाहिए, जिस तरीके से एक साल बाद पूर्व नए बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं देखिए अध्यापक भी काफी बड़ी मात्रा आपको नजर आ रहे होंगे इस तरीके से। देखिए खूब जिस तरीके से कि हम आपको बता रहे हैं पिछले समय से स्कूल बंद चल रहे थे, जो वो अब स्कूलों को खोला गया है और यहाँ बच्चे भी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं मेरे पीछे देखिए। कोरोना की खास कोरोना का खास ख्याल रखा गया है, बच्चों के मुंह पर मास्क भी लगे आ रहे हैं और दूरियां भी काफी बड़ी मात्रा में आपको नजर आ रही है। तो जिस तरीके से मैं कहूंगा कि बच्चों से भी हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बच्चे आज इतने समय बाद स्कूल में लौटे हैं और स्कूल में आने के बाद बच्चों को कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों से ही बात करना और जाके अध्यापक है उनसे भी बात करूंगा। तो साथी जी देखिए बहुत खुशी की बात है, तो उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो बच्चे अब काफी समय बाद एक साल बाद स्कूल में लौटे हैं, इसके बाद जो क्या कैसा लग रहा है बच्चे को। बेटा क्या नाम आपका? जी सर। आज स्कूल कितने देर बाद आए हैं आप, कितने समय बाद आए हैं, कितने दिन के बाद आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा क्या क्या आपको सुबह जब आए थे अध्यापकों ने क्या बताया था, कुछ बताया था, कुछ आशीर्वाद दिलवाए थे या दिलवाए? इसके साथ ही ये बच्चे अभी शर्मा रहे क्योंकि काफी समय बाद ये स्कूल लौटे हैं, तो ये कुछ अभी कहने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि किसी बड़े बच्चे से बात करना चाहूंगा स्कूल में, क्योंकि बच्चे काफी जो बड़े हैं तो उनसे भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम आपका? ये दुकान से कहने क्या से पढ़ते हैं, कैसा लग रहा है आप स्कूल आए हैं तो आज? अच्छा लग रहा है, क्या क्या पढ़ाया सुबह से? तो कुछ समझाया था स्कूल में आप आए तो अध्यापक ने आपके? साक्षी देखिए आपने सुना बच्चा बता रहा है कि एक मीटर की दूरी पर बैठाने का काम किया गया है मास्टरों द्वारा, जाता के साथ हाथ धोने की बात भी कही गई है, मास्क लगाने की बात भी की गई है। तो बच्चे जो बता रहे हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं और मैं अध्यापक से भी बात करना चाहूंगा, सर मेरे साथ हैं उनसे भी क्या क्या नियम सरकार के गाइडलाइन जारी की गई है उस अनुसार क्या क्या इनके कार्य पूरे स्कूल में किए गए हैं। सर क्या नाम आपका? सलमान जी। सर आपके यहाँ बच्चों को आज जैसे एक साल बाद स्कूल में बुलाया गया है तो कैसा लग रहा है आपको, और आपके बच्चे जो आए हैं आपको क्या प्रेरणा आप बच्चे की देंगे कि आखिरकार क्या 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 दूरियां होनी चाहिए, क्या मास्क, क्या बच्चों से मैंने भी बात करी और आपने भी सुना मेरे चैनल के माध्यम से जनता भी सुनने का काम करी, तो आप क्या सरकार के लिए कहना चाहेंगे और क्या बच्चों के इसमें कहना चाहेंगे? सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, एक मीटर की दूरी और मास्क उसमें इनका पालन कर रहे हैं, वही सबसे जरूरी है, यहाँ डिस्टेंस कंपलसरी है और जो सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है उसका हम पालन कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे सवाल करूंगा, जैसे एक साल तक आप लोग स्कूल में नहीं आए, वो बच्चे नहीं आए थे आपके पास और लगातार आप लोग स्कूल में आने का काम कर रहे थे, तो आपको पहले कैसा लगता था और आज कैसा लग रहा है? आज बढ़िया लग रहा है, कल पिछले दिनों में जो हम परेशान रहते थे वो अकेले बैठ रहे थे, मायूस रहते थे, फोन पे संपर्क करते थे बच्चों से और फोन पे मुझे बच्चों काम बताते थे। अच्छा पढ़ाई कराई भी थी ऑनलाइन वगैरह? ऑनलाइन वगैरह पढ़ाई कराई थी बराबर। अच्छा अब कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं, और ये स्कूल मैं मानता हूँ कि बिलारी का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है, सबसे बड़े ज्यादा बच्चे यहाँ उपस्थित होते हैं, तो आज कितने बच्चे आपको देखने मिल रहे हैं? 40 बच्चे। तो अब आपके स्टाफ कितना है यहाँ? स्टाफ है 12। अच्छा कोई छुट्टी पर भी है? सिगरे बच्चों की उपस्थिति कितनी है वैसे? उपस्थिति नहीं, सिगरे कितने हैं? 393 स्टाफ 12 का है। तो साक्षी आपने सुना था कि जिस तरीके से बात का बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 300 से अधिक बच्चे हैं, 12 लोगों का स्टाफ है, और मैं बात करूंगा जो भी बड़े बच्चे वो दूसरे क्लास रूम में बैठे हुए हैं उनके पास ही मैं जाऊंगा, क्योंकि उनसे भी बात करूंगा कि आखिरकार उन्हें भी
बिल्कुल दानवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जहां पर बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी जो है वो बेहद एक्साइटेड हैं, बेहद उत्सुक हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से कल देश भर के और साथ में उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिलों में एक बार फिर से प्राथमिक स्कूल खोले हैं, जहां कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक के तमाम स्कूलों को खोला गया, उसी को देखते हुए टीचर्स के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक साल बाद जो है अपने सहपाठियों से मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, उसी को देखते हुए बच्चे के साथ साथ जो टीचर्स है वो भी अपने स्टूडेंट से मिलकर काफी खुश है। और यही तस्वीरें हमारे रिपोर्टर दानवीर सिंह आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर फिलहाल तमाम पेरेंट्स की अनुमति के बाद जो बच्चे हैं वो स्कूल धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और साथ में जो जरूरी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कोविड 19 के रूल्स को फॉलो करना, उसी को देखते हुए तमाम स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, तमाम स्कूलों में जो है इन बच्चों से जो है इन तमाम रूल्स को फॉलो भी करवाया जा रहा। तो बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया, जहां पर निजी स्कूलों में जो है 60% पेरेंट्स की अनुमति के बाद बच्चों को भेजा गया है। तो इसी पर हमारे एक और रिपोर्टर सत्यवीर सिंह, जो कि बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, कल यानी कि 1 मार्च से देश भर में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है प्राथमिक स्कूलों को खोलने की परमिशन दे दी गई है, उसके बाद से बुलंदशहर की अगर मैं बात करूं तो बुलंदशहर में बच्चे कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल देखिए साथी, आपको बताना चाहूंगा, मैं फिलहाल में बुलंदशहर के डिवाइड के गांव तलवार में और प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूं, तो दिखाना चाहूंगा। देखिए प्राथमिक विद्यालय तलवार लिखा हुआ है, इसकी हम बात करते हैं तो 11 माह के बाद कल जो कॉलेज खोले गए थे, तो उसी को आज हम देखते हैं और रियलिटी चेक करते हैं कि क्या जो कोविड-19 के जो प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें प्रशासन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसी को देख लिया आज मौजूद है। तो अब मैं दिखाना चाहूंगा वो तस्वीरें, ये डेस्क बनाई हुई है सामने, अपने सहयोगी से कहूंगा यहाँ से जो बच्चों को जो सैनिटाइज करके अंदर भेजा जाता है क्लासों में, और टाइम हो चुका है तो बच्चे क्लास में पढ़ भी रहे हैं, तो वो सारी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। साफ सफाई भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, और ये रसोई है जिसमें बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों को खाना बनता है वो ये रसोई है, जहाँ ये जो बना भी रहे खाना, और मैं क्लास में जो दिखाऊंगा, देखिए जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये दूरी बनाए हुए बैठे हैं, लगभग 2 मीटर की दूरी है, और जो कोविड-19 जो प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं जानना भी चाहेंगे। बेटा क्या नाम आपका? उज्ज्वल। तो कल आप कॉलेज आए थे? हाँ। तो कैसा लग रहा है आप कॉलेज में आ रहे हैं? अच्छा, पहले इससे पहले जब घर पर पढ़ते थे तो कैसा लगता था आपको? बुरा लगता था, अच्छा लग रहा है? देखिए साथी, बिल्कुल यही बच्चे बता रहे हैं कि जिस तरह हम घर पर ऑनलाइन पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, और आज जो हम कॉलेज बैठे तो काफी अच्छा लग रहा है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा। बेटा क्या नाम आपका? ऋचा शर्मा। तो आप कैसा लग रहा है आप पढ़ने आए कॉलेज में? तो काफी अच्छा लग रहा है। इससे पहले जब 11 महीने घर पर रहे हैं तो जब आपको कैसा लगा था? बेटा लगा था। और टीचर आपको पढ़ा दिए? अब क्या क्या मतलब जब आप कॉलेज आते हैं तो क्या आपको बताते हैं, क्या कराते हैं? हाथ धुलवाते हैं आपके? उसके बाद फिर पढ़ाते हैं? देखिए सर, ये बता रहे हैं कि पहले जब ये एंट्री करते हैं कॉलेज में तो पहले सेंटर कराया जाता है, उसके बाद ये कॉलेज में जो है प्रार्थना के बाद जो अंदर क्लासरूम में बैठा जाता है। और भी हमारे अध्यापक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम आपका? मेरा नाम शेर अली जी, इंचार्ज प्रधान अध्यापक। जैसे ही सरकार का आदेश आया 1 मार्च से विद्यालय खुलेंगे, हमने पूरी तैयारियां की और छात्र एवं छात्राओं का सम्मान किया, फूल माला पहनाकर उनकी आरती उतारकर, और सभी बच्चों को हम सैनिटाइजर करते हैं और करते रहेंगे। हम अपने विद्यालय में विशेष तैयारियों के साथ बच्चों की शिक्षा का शुरू कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज मैं देखने को नहीं मिला यहाँ पे, जो थर्मल स्कैनिंग है वो नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी डेस्क पर रखा हुआ, कि बच्चों को जो टेम्परेचर कैसे किस चीज चेक करते हैं आप? वो हमारे पास उसकी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उसे भी लाएंगे हम। नहीं, वायदे मानते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को बुखार है तो उसको कैसे पता चलेगा इस बच्चे को बुखार है नहीं है? हमारे पास वैसे थर्मामीटर है हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में, और मेडिसिन भी है टोटल, लेकिन टेम्परेचर वाला नहीं है, लेकिन थर्मामीटर बुखार का नापने का हमारे पास है। अच्छा, कोविड-19 की जो भी प्रक्रिया है किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? कोविड-19 की जो भी प्रक्रिया है हम पूरी तरीके से पूर्ण रूप से अपने विद्यालय में लागू किए हुए हैं। बच्चों को सैनिटाइजर करते हैं और समय समय पे हर उनका चेकअप भी करवाते रहते हैं, स्वास्थ्य टीम हमारे यहाँ हम बुला लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा सच्ची जी, कि जिस तरह से आज कॉलेज में सुबह कमरा सैनिटाइज किया गया?
जी मैंने सबसे पहले जब विद्यालय आता हूँ तो मेरे यहाँ स्वीपर सफाई करने आता है जी। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ बैठ जाता हूँ ग्राउंड में और बच्चे आते हैं तो सैनिटाइजर करता हूँ। क्लासरूम को भी क्या सैनिटाइज किया था आपने? क्लासरूम मैंने एक तारीख में सैनिटाइजर किए थे और मैं सुबह को भी सब में मार देता हूँ। तो देखिए साथी, इन्होंने आज नहीं किए, कल इन्होंने सैनिटाइज किए, जब भी प्रशासन की जो प्रक्रिया वो डेली बाई डेली डेली बाई डेली क्लासरूम साफ होंगे और उनको सैनिटाइज किए जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए अब ये माना जा सकता है कि प्रशासन और की जो मतलब विद्यालय प्रशासन कहेंगे ये लापरवाही दिखाई दे रही है साफ साफ, क्योंकि इन्होंने भी बताया कि कल कराया, आज इन्होंने सैनिटाइज नहीं कराया है, जबकि प्रशासन की जो COVID-19 की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं डेली बाई डेली कमरा साफ कराना पड़ेंगे और सैनिटाइज करना पड़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यवीर सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलंदशहर की स्कूलों की तस्वीरें दिखाने के लिए, जहां पर सरकारी स्कूलों में जो है प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, बच्चे जो है वो 2 गज की दूरी के साथ बैठे हुए क्लासरूम में, और टीचर्स भी जो है खासतौर से इन सभी का ध्यान रख रहे हैं, जहां पर बच्चों के चेहरों पर जो है मास्क लगा हुआ था, उसी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हैंड भी सैनिटाइज किए गए। उसी के बाद इन बच्चों को क्लासेस में एंट्री दी गई। इसकी तस्वीरें हमारे रिपोर्टर सत्यवीर सिंह सीधा बुलंदशहर से हम तक पहुंचा रहे थे। तो बुलंदशहर और मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें हमने देखी, जहां पर जो है सरकार की COVID-19 गाइडलाइंस का पालन भी खास तौर से तमाम जगहों पर किया जा रहा है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के तमाम स्कूलों को खोला गया है, जहां पर बच्चे जो है बेहद उत्साहित होकर एक साल के बाद स्कूलों में पहुंच रहे हैं, कक्षाओं में पहुंच रहे हैं। उनमें उत्साह है अपने दोस्तों से मिलने का, अपने टीचर से मिलने का, लेकिन इसी बीच उत्साह के बीच 2 गज की दूरी का पालन कैसे करना है, ये सब जो है वहां के टीचर्स करने में व्यस्त हैं, और वही तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट चुकी है और बच्चों का स्वागत जो है वो तिलक लगाकर किया गया, जहां पहले से जो उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोला गया, उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को खोला गया, और उसके बाद अब जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के तमाम स्कूलों को खोला गया, जहां पर कल यानी कि 1 मार्च से तमाम स्कूलों को खोला गया, जिसके बाद ये तस्वीरें लगातार आरएन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां बुलंदशहर और मुरादाबाद की तस्वीरें हमने देखी। तो तमाम सरकारी स्कूलों में जो है सख्ती से COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है, और बच्चों भी खासतौर से हमने देखा बच्चे जो है 2 गज की दूरी के साथ बैठ रहे हैं और साथ में मास्क भी उनके चेहरे पर लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से पहले कोरोना आने के बाद जो है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके बाद एक बार फिर से जो है सामान्य स्थिति में बच्चों की जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है, और एक बार फिर से ऑफलाइन तरीके से ये क्लासेस जो है वो तमाम स्कूलों में एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी हैं, और यही तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा भी पा रहे हैं, जहां पर बच्चों जो है वह काफी खुश हैं और वो अपनी इस खुशी में जो है COVID-19 के रूल्स को ना भूलें, इसका भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, और यही तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो है आज से स्कूलों में जो है बच्चे पहुंच रहे हैं, जहां पर कल से जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के तमाम क्लासेस को खोल दिया गया है। तो इस बार बच्चों के बैग में टिफिन के साथ साथ मास्क हैंड सैनिटाइजर भी होना बेहद जरूरी है, इसका खास तौर से ध्यान टीचर्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी रख रहे हैं, उसी को देखते हुए पेरेंट्स द्वारा अनुमति भी दी गई है। इसके बाद तमाम जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे स्कूलों में पहुंच रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसी पर हमारे एक और रिपोर्टर सुरेश कुमार लाइव आ चुके हैं, जो कि रामपुर से हैं। सुरेश, कल से जो है लगभग 1 साल के बाद प्राथमिक स्कूलों को खोला गया, ऐसे में रामपुर के सरकारी स्कूलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी मैं बता दूं आपको, मैं इस समय रामपुर के MUPS घाटमपुर के जो स्कूल है वहां पर खड़ा हूं जी, और आपको मैं दिखा दूं यहां की तस्वीर। इस समय जो स्कूल है
ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है और मैं मुजाहिद जो होंगे यहाँ के शिक्षक उनसे बात करना चाहूंगा और आपको दिखा दूँ जिस तरीके की तस्वीरें हैं जी। बिल्कुल सुरेश, आप इनसे बात करिए, टीचर से बात करिए, पूछिए कि किस तरीके से जो कोविड-19 के रूल्स है उनको फॉलो किया जा रहा है स्कूलों में। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने इस स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी बना रखी है कि शायद मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल भी फेल हो जाएंगे यहाँ पर। जी मुजाहिद जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जो स्कूल है इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी बना रखी, क्या ऊपर से सरकार भी इसको ग्रांट वगैरह अच्छी दी है? नहीं, की ग्रांट तो वही आती है, दूसरे स्कूलों की आती है। यहाँ थोड़ा सा हमारा अपना एफर्ट है और क्या नाम है, जो हमारा जो स्टाफ वगैरह है सब में सहयोग करते हैं। बाकी जब हम यहाँ आए थे 2014 में, जब इसकी न्यू बिल्डिंग बनी थी तो यहाँ सिर्फ 30 बच्चे हमारे वोट हुए थे। यहाँ दो प्राइवेट स्कूल खुलते थे और बच्चे मतलब प्राइमरी मतलब गवर्नमेंट स्कूल के नाम से थोड़ा सा ये मतलब पेरेंट्स भी जाते थे उनका ज्यादा, लेकिन जब उनका पहले साल का रिजल्ट बड़ा अच्छा मिला और बच्चे हमारे स्टेट लेवल पर खेलने गए बाकी और एक्टिविटीज में आगे रहे, ऐसे टीचर्स ने अच्छे मैच किए, तो जो बाकी जो प्राइवेट स्कूल चले थे वो बंद हो गए और बाकी सब बच्चे इसी स्कूल आ गए। अच्छा, धीरे धीरे। अच्छा, कोविड-19 को देखते हुए जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिए हैं कि यहाँ पर कोविड की क्या क्या व्यवस्था की गई है? कोविड में जो भी सरकार के आदेश आए हैं उसी के जो निर्देश आए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया गया है। बच्चों को मास्क पहनाने के बाद में सैनिटाइज करना और बच्चे जैसे सरकार का आदेश था कि बच्चे का पहला दिन उसका स्वागत किया जाए, तो हमने फुल मतलब सुरक्षा करके बच्चों को स्वागत किया। कल का आदेश हमने आज भी किया क्योंकि 8 डे में क्लासेज आ रही है, तो आज नए बच्चे आए हैं तो उनका भी हमने आज स्वागत किया और कल तीसरा दिन है ना, कल भी करेंगे। जी मैं बता दूं जिस तरीके से यहाँ के जो शिक्षक है उन्होंने एक स्कूल को मंदिर की तरह स्वच्छ तरीके से मेंटेनेंस करके रखा है, उस तरीके से मैं समझता हूँ कि शहर में या गांव में प्राइवेट स्कूलों में कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे में अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं स्कूल? नहीं, यहाँ जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की व्यवस्था देखकर तो शायद कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करेगा, क्योंकि कोविड के सारे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर और किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन सुरेश जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफी समय के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक है, कि ऐसे में कोविड-19 के प्रोटोकॉल ना फॉलो हो पाए इसको देखते हुए किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो बच्चों को हैंडल करो, कितना मुश्किल ये टीचर्स के लिए हो रहा है? जी मैं बिल्कुल बात करना चाहूँ, जो यहाँ के टीचर है वो इस समय मेरे पास मौजूद है और उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कोविड की किस तरीके की वो आएगी। यहाँ कॉलेज में बच्चों को बहुत ज्यादा सभी नियम अनुसार उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है रोज और टेम्परेचर भी लिया जा रहा है उनका और मास्क की भी सुविधा दी जा रही है, जिस बच्चे के पास मास्क नहीं होता है वो भी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, क्या पेरेंट्स लोग जो है कुछ बच्चों को भेजने से आनाकानी कर रहे हैं या कुछ उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस तरीके की बीमारी चल रही है उसको देखते हुए कि ना भेजने की वो कर रहे हैं? पेरेंट्स मना भी कर रहे थे लेकिन उनको पूरी तरह से बताया गया कि यहाँ पर सभी सुविधाएं उन्हें बच्चों को दी जाएंगी, तो जिससे पेरेंट्स ने हाँ कर दिया, सबने अपनी सहमति से ही बच्चों को। बता दूं जिस तरीके से मैंने देखिएगा अभी बात की, उन्होंने बताया कि कोई भी पेरेंट्स मना करने को मना नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ बच्चों को भेजने के लिए लोग उत्सुक हैं क्योंकि स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिस तरीके से शायद मेंटेन किया गया है कि कोई प्राइवेट स्कूल भी फेल होगा। जी बिल्कुल सुरेश, इन लोगों ने जो खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में और सामूहिक कार्यक्रम जो होते हैं स्कूलों में उनको देखते हुए क्या कुछ रूल्स बनाए हैं? जी मैं बात करूंगा जो यहाँ के शिक्षक है मुजाहिद जी, उनसे बात करके बताता हूँ आपको जिस तरीके से यहाँ पे खेल व्यवस्था के बारे में कुछ रूल्स बनाए गए होंगे या जो खेलकूद होते हैं बाहर भी उनको बच्चों को यहाँ भेजा जाता है। जी यहाँ बच्चों को हम खेल गेम्स सिखा रहे हैं तो खिलाते भी हैं, बच्चे हमारे स्टेट लेवल पर बच्चे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पर गेम्स खेलते हैं, ब्लॉक लेवल पर खेलते हैं, मतलब काफी अवार्ड भी दे चुके हैं हमारे स्कूल गेम्स में और एजुकेशन में भी दो चीज में अवार्ड दे रहा है। जी बिल्कुल, बता शिक्षक जो है यहाँ के बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े स्तर पर भी जा चुके हैं और खेलकूद में कुछ अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। सुरेश, आपके पीछे कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बात करिए, पूछिए कितने उत्सुक हैं वो लगभग एक साल के बाद स्कूल आने में। जी मेरे पास देखिएगा ये बच्चा खड़ा है, मैं इससे अभी बात करता हूँ और पूछता हूँ कि एक साल के बाद जो स्कूल खुला है उसके बाद उनकी क्या उत्सुकता है, क्या नाम है आपका?
आप जो एक साल के बाद स्कूल आए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खुशी महसूस हो रही है आपको? ये खुशी महसूस हो रही है, एक साल के बाद स्कूल में आएंगे, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, यह कोविड के जो आजकल बीमारी चल रही है उसको देखते हुए कोविड के क्या इंतजाम है? सैनिटाइजर भी हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, बच्चे अलग अलग साइड में बैठे हैं। अच्छा, पढ़ाई की माने तो जिस तरीके से यहाँ के टीचर है वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, पढ़ाई में आप लोग अच्छे स्तर पर पढ़ रहे हैं? जी मैं बता दूं, देखिए मैंने बात की बच्चे से तो उसने बताया कि यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिस तरीके से स्कूल को मेंटेनेंस किया गया है और पढ़ाई में मैं समझता हूँ बता रहे हैं कि बच्चे अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, लगातार आप सरकारी स्कूलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं रामपुर से, क्या ऐसे में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों का भी जो प्रोटोकॉल है क्या उनका पालन किया जा रहा है? जी प्राइवेट स्कूलों की तो मैं बात करूँ, अगर बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल है जो अभी पूरे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजर की व्यवस्था देखिएगा वहां जाकर तो शायद नहीं मिल रही है, कुछ अभी जो प्राइवेट स्कूल है वो खुले भी नहीं है, लेकिन जो सरकार के आदेश के अनुसार जो सरकारी स्कूल है वो लगातार यहाँ खुल गए हैं और अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से जैसे आज हम स्कूल में पहुंचे हैं यहाँ पर देखी व्यवस्था, सारे टीचरों की व्यवस्था देखिएगा, यहाँ पढ़ाने लिखाने का या खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल, और ऐसे में सुरेश जिस तरीके से कल से ये स्कूल खुले हैं क्या जो संख्या है बच्चों की वो कैसी रही है? जी मैं बिल्कुल टीचर से बात करना चाहूंगा, ये बताएंगे कि यहाँ जो है किस तरीके की बच्चों की संख्या आएगी और कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे क्योंकि अल्टरनेट क्लास बुलाए गए हैं तो इस वक्त हमारे इसमें फर्स्ट और फिफ्थ के बच्चे मौजूद हैं और सेवेंथ क्लास के बच्चे अल्टरनेट बुलाए रहे हैं, सैनिटाइजर उसकी वजह से कोविड 19 का सारा पालन किया जा रहा है और सैनिटाइजर वगैरह यूज किया जा रहा है। एवरी डे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं यहाँ के क्योंकि एक पूरे एक साल के बाद उनको अप्रॉक्सीमेटली एक साल हो गया था तो इसके बाद बच्चे इतने ज्यादा खुश थे। कल का दिन तो हमारे लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया कि हमने पूरा जो स्कूल को अपना डेकोरेट किया, बलून्स वगैरह जिससे बच्चे ज्यादा खुश होते हैं उन चीजें हमने यूज करी और सबका बच्चों को फ्लावर्स डालकर स्वागत किया। और आज भी हमने आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी भी गुलाब की पत्तियां पड़ी हैं तो ये हमें जो कल आए थे बच्चे उससे दूसरे बच्चे हर दिन वो बच्चे नहीं आ रहे हैं इसके हमने दूसरे बच्चों को भी आज स्वागत किया। तो मैम जिस तरीके से सरकार के आदेश है कि एक क्लास में 20 बच्चों की ही बैठाने की अनिवार्यता है, क्या आपके क्लास में भी कुछ ऐसे रूल है? यस बिल्कुल, हम बिल्कुल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो और डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चों को बिठा रहे हैं और मास्क तो बिल्कुल कंपलसरी है और जो भी अगर मास्क नहीं भी लाते हैं तो मैम हमारे जो हेड हैं वो पूरा उनके पास पूरा स्टॉक मौजूद है ताकि वो बच्चों को अवेलेबल करा सके क्योंकि जो ये टाउन एरिया वो गाँव के बच्चे हैं तो वहाँ से घुस भूल भी जाते हैं और पेरेंट्स अवेयर नहीं है आपको तो मालूम है तो पेरेंट्स के अवेयर न होने की वजह से हमें उनकी जगह उनका काम करने पड़ रहे हैं तो हम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस चल रहे हैं यहाँ पर। जी देखिएगा, मैंने बात की जो यहाँ की शिक्षिका है उन्होंने बताई कि यहाँ जिस तरीके से बच्चों की जो है 20 के करीब बच्चे बैठाए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आज आ रहे हैं वो कल भी आएंगे, उनको अगले नेक्स्ट पीरियड में बुलाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के सुरेश। तो हमने देखा रामपुर, मुरादाबाद और बुलंदशहर में जिस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और बता दें आपको सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था भरपूर है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।